नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर सुकमा सीमा पर जोनागुड़ा और अलीगुड़ा के पास नक्सलियों के साथ गोलीबारी में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करने और श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनते ही नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई तेज हुई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कैंप खोलकर ग्रामीणों तक सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नक्सली नहीं चाहते कि ग्रामीणों तक सरकारी योजनाएं पहुंचे और गांव व ग्रामीण विकसित हो। टेकुलगुड़ा के पास नक्सली मुठभेड़ में हमारे तीन जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। तो सबसे पहले तो तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। और कल की घटना में भी वहां पर टेकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा शिविर, सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ। लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम लोग रायपुर में अस्पताल भी गए, बालाजी अस्पताल और नारायणा अस्पताल, हमारे जवानों से मिले जो घायल हुए और बहुत मजबूती के साथ, साहस के साथ उन्होंने मुकाबला किया। उनके हौसले बुलंद हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। और हम लोग हमारी सरकार सुरक्षा कैंप स्थापित करके ऐसे क्षेत्रों में सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सुख सुविधा है, उसको पहुंचाना चाहते हैं। उनके बसाहट तक रोड बने, उनके पक्का के मकान बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब हम लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है। लेकिन शायद नक्सली लोगों को ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता है और इसलिए एक कैंप का विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मोबाइल मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या है उन इलाकों में, इसीलिए जवान तक सूचना नहीं पहुंचती। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए क्या करेगी सरकार? सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी हमारे देश के आए हुए थे और सब विषयों पर चर्चा हुई है। जो भी बुनियादी जरूरतें हैं सब पूरा करेंगे।